नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेताओं, अभिनेताओं और कॉमेडी हस्तियों ने बुधवार को हास्य कलाकार राजेश श्रीवास्तव के निधन पर शोक जताया। राजेश श्रीवास्तव का बुधवार को दिल्ली के हॉस्पिटल में निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है कि राजेश श्रीवास्तव ने हंसी, हास्य और सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन को रोशन किया। उन्होंने हमें बहुत जल्द ही छोड़ दिया है, लेकिन वो सालों तक अपने समृद्ध काम की बदौलत अनगिनत लोगों के दिल में जीवित रहेंगे। उनका निधन दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना, ओम शांति। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को ही राजेश श्रीवास्तव का दिल्ली में अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के भाई फैजल खान इन दिनों अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। बीते दिनों फैजल खान ने आमिर खान समेत अपने परिवार पर कई सारे आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि फैजल खान को बिग बॉस 16 के लिए अप्रोच भी किया गया, लेकिन एक्टर ने शो में जाने से साफ मना कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में फैजल खान ने बताया कि वो बिग बॉस में इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि वो माइंड गेम्स में नहीं फंसना चाहते। एक्टर ने कहा कि बिग बॉस में हर कोई एक दूसरे के खिलाफ लड़ता है, बहसबाजी करता है। वहां टास्क दिए जाते हैं जो दिमाग से खेले जाते हैं, मैं उन सब में फंसना नहीं चाहता। इसके लिए मेकर्स भी पैसे देते हैं, लेकिन अल्लाह की कृपा से मेरे पास पैसों की जरूरत नहीं है। फैजल खान ने बिग बॉस के घर में जाने को लेकर कहा कि उन्हें पिंजड़े में नहीं जाना है। उन्होंने कहा कि मुझे आमिर के घर में एक बार बंद कर दिया गया था, इसीलिए मैं दोबारा पिंजरे में नहीं जाना चाहता हूं। आपको बता दें कि साल 2007 और 8 में फैजल ने अपने ही परिवार के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। उनका आरोप था कि आमिर खान ने उन्हें दिमागी तौर पर बीमार बताते हुए घर में कैद कर दिया था, जबकि वो पूरी तरह से ठीक थे। उनका कहना था कि उन्हें गलत दवाएं भी दी जाती थी। भारत की तरफ से ऑस्कर 2023 के लिए गुजराती फिल्म छेलो शो को नॉमिनेट किया गया है। इस फिल्म के जरिए बधाई देते हुए द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट किया है। इसी के साथ उन्होंने जो लोग उनकी फिल्म को ऑस्कर में देखना चाहते थे, उन्हें भी धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स और SS राजामौली की फिल्म RRR के ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होने की उम्मीद जताई जा रही थी। कश्मीर फाइल्स इस साल की 4 हिट फिल्मों में से एक रही है, इसीलिए फैंस को उम्मीद थी कि ये फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की जानी चाहिए। राखी सावंत इन दिनों अपने गाने तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस गाने में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ नजर आ रही हैं और दोनों अपने गाने को जोर शोर से प्रमोट कर रहे हैं। राखी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस के साथ अपनी लाइफ से जुड़ी जानकारी भी साझा करती रहती हैं। राखी ने अपने बॉयफ्रेंड आदिल से शादी करने की इच्छा जाहिर करी है। राखी ने कहा कि वो बिग बॉस के घर में आदिल से शादी करना चाहती हैं। उन्हें विश्वास है कि सलमान खान आदिल के घर वालों को शादी के लिए मना ही लेंगे। इतना ही नहीं, राखी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ नच बलिए और झलक दिखलाजा जैसे शोज को करने की इच्छा भी जाहिर करी है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।